गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माँ मातंगी देवी की पूजा की जाती है। आज है 14 जुलाई और आज 9वीं महाविद्या की पूजा की जाएगी। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इससे पहले मैंने कल बड़ा तालाब का वीडियो अपलोड कर रखा है जो छत्तीसगढ़ रायपुर के कुम्हारी में स्थित है। आप इस वीडियो को जाकर पूरा देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज हम देखेंगे गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माँ मातंगी देवी की पूजा कथा और पूजा के लाभ के बारे में। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी माना जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश में करने में समर्थ है। देखते हैं अब माता मातंगी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे थे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री साथ में ले गए थे जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की थी। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो कि मातंगी नाम से जानी गई। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ऋषि मतंग की पुत्री होने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उन्हें भगवान विष्णु की आद्य शक्ति भी माना जाता है। अब देखते हैं माता मातंगी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय में की जाती है और मान्यता है कि माता मातंगी की पूजा भी भक्त रात्रि में ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें, एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। मैं बता दूं कि हर नवरात्रि की पूजा आप प्रातः काल में उठकर करेंगे और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप ये काम कर रहे होंगे। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर मूर्ति या यंत्र के साथ मूंगा की माला अवश्य मानी जाती है, आप ये धारण करें। इन वस्तुओं के अभाव में आप एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रखें। इसी सुपारी को ही यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी की मंत्रों का जाप करें। माता मातंगी का मंत्र इस तरह है, ओम ह्रीम क्लीम हूँ मातंगे भट्ट स्वाहा। इस मंत्र के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती है और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मैं नवरात्रि की हर वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना के रखी हूँ, आप वहाँ पर जा कर के देखिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बहुत सारी वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर विजिट करिए। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।